दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग में शनिवार को पर्यावरण एवं विकास विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज कुलपति प्रोफेसर के एन सिंह रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर के प्रति कुलपति प्रोफेसर हरिशरण ने किया। इस दौरान गोरखपुर न्यूज संवाददाता से विशेष बातचीत में प्रोफेसर के एन सिंह ने बताया कि वर्तमान में पश्चिमी देशों के मॉडल का विकास पर्यावरण के लिए हानिकारक है, हमें उनके विकास के मॉडलों के अनुसार नहीं करना चाहिए। पश्चिमी देशों में उपभोग को ही विकास माना जाता है, जबकि हमारे देश में त्याग की संस्कृति रही है। हमने वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया है और हम पूरी पृथ्वी पर अपना परिवार मानते हैं, जिसमें पेड़ पौधों से लेकर जानवर तक आते हैं। हमारी संस्कृति में वृक्षों को भी देवता माना गया है, तो जानवरों को अपने परिवार का सदस्य। इस दौरान उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी विभाग में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में शोध करने की सलाह दी। इस दौरान कार्यक्रम में प्रोफेसर राजश्री गौर, प्रोफेसर दिनेश यादव, भूगोल विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर शिवाकांत सिंह, वनस्पति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ नारायण पांडे, जूलॉजी विभाग के प्रोफेसर परमहंस पाठक, प्रोफेसर बीना पत्रा कुशवाहा, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मनीष मिश्र, कंप्यूटर विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर उपेंद्र नाथ त्रिपाठी, भूगोल विभाग से प्रोफेसर एन के राणा, वनस्पति विभाग से डॉक्टर स्मिता अमल आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गौरव पुनी संवाददाता से बात करते हुए विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शरद कुमार मिश्र और राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज कुलपति प्रोफेसर के एन सिंह ने कहा। ये जो इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी है, ये देश के लिए, हमारे देश के लिए विशेष रूप से बहुत से इस पर ध्यान दे, उसमें हमको अपने पॉपुलेशन और देश को इकोनॉमिक कंडीशन को सुधार के लिए बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। लेकिन हमसे ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो थाईलैंड में, हमसे 10 गुने से ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो सिंगापुर सिटी स्टेट में, उसमें पॉल्यूशन बहुत कम, लेकिन हम उसको अभी ध्यान देते हैं। सर्विस सेक्शन का भी काम करेगा और हमारे डेवलपमेंट ग्रोथ इम्प्लॉयमेंट सारी चीज़ों को जनरेट मैं बायोटेक्नोलॉजी विभाग का विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शरद कुमार मिश्र, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग में पर्यावरण एवं विकास विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया और इस विषय के मुख्य वक्ता थे राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर के एन सिंह जी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर हरिशरण सिंह जी ने किया आज ये जो पर्यावरण और विकास पे कुलपति जी ने कहा कि पर्यावरण और विकास, जिस तरह से विकास हो रहा है उसी हिसाब से हमारे पर्यावरण में भी क्षरण हो रहा है। हमें विकास के नए मॉडल को तैयार करना होगा, नया मॉडल सामने लाना होगा जिससे कि हम ऐसा विकास कर सकें जिससे हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। उन्होंने भारतीय संस्कृति और संस्कार और परंपराओं की याद दिलाई, जिसमें हम पेड़ पौधों जानवरों तक का ख्याल रखते थे, उनको अपने परिवार का अंग मानते थे और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ पूरे दुनिया को संदेश देते थे। एक संघ विकास की बात उन्होंने कही कि जिसमें सबका विकास हो वही वास्तविक विकास है, ऐसा विकास जिसमें हमारा पर्यावरण दूषित हो, हमारे पेड़ पौधे को नुकसान हो, ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। आज का व्याख्यान एक बहुत ही समसामयिक विषय को लेकर के था और वह विषय था पर्यावरण एवं विकास। ये दो ऐसे विषय हैं जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में ये डिस्कशन के पर्याय हो गए हैं। कोई भी गोष्ठी इन दोनों विषयों पर चर्चा करती है, निरंतर हो रहे पर्यावरणीय क्षरण को देखते हुए विकास की कौन सी अवधारणा अपनाई जाए, कौन सी संकल्पना अपनाई जाए, कौन सा दर्शन अपनाया जाए, इस वैकल्पिक मार्ग में आज पूरा विश्व तलाश में है और इस अहम विषय पर आज यह संगोष्ठी हुई। और संगोष्ठी, हमारा ये मानना है कि जो विश्व स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समस्याएं हैं पर्यावरण और विकास की, उन समस्याओं का समाधान
न पश्चिम के पास है, न पूरब के पास है। इन समस्याओं का समाधान भारत की संस्कृति के पास है, भारतीय संस्कार के पास है। भारतीय दर्शन ही इन समस्याओं का समाधान दे सकता है। यदि भारतीय संस्कृति को, भारतीय जीवन शैली को अपना लिया जाए तो पर्यावरण और विकास का जो अंतर्द्वंद है उसको समाप्त किया जा सकता है और एक धारणीय विकास, जिसको हम सम विकास भी कहते हैं, उसको कार्यरूप दिया जा सकता है।